हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम यूनिट्स ऑफ मेजर को प्राइमावेरा P6 में ऐड कर सकते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये स्टूडेंट्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच है, काइंडली आप डेली बेसिस पे मुझे वर्क सेंड करें। एंड थैंक्स टू माय ऑल स्टूडेंट्स जो कि डेली बेसिस पे मुझे ऑलरेडी अपनी असाइनमेंट्स और वर्क प्राइमावेरा P6 के रिलेटेड सेंड कर रहे हैं और डेली बेसिस पे क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एडमिन पे क्लिक किया। एडमिन पे क्लिक करने के बाद एडमिन कैटेगरीज, और यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं राइट साइड पे यूनिट्स ऑफ मेजर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक छोटी सी विंडो यूनिट्स की ओपन हो गई है। सो यूनिट्स का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप सिविल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT, नो मैटर, इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको इसका थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दूंगा कि यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको सिविल के प्रोजेक्ट का आइडिया दूं तो सिविल का प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो वहां स्क्वायर मीटर्स में काम हो रहा होगा, वहां क्यूबिक मीटर में काम हो रहा होगा। अब वहां पे लीन की जरूरत होती है तो वो टन्स में आता है, ठीक है। तो अगर वहां पे वाटर की जरूरत है या और का अगर किसी चीज की जरूरत है तो ये उसके डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मैकेनिकल के प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पे अगर वेल्डिंग होनी है तो वेल्डिंग का यूनिट होता है गिर्थ, कितने गिर्थ वेल्डिंग होनी है। तो ये यूनिट्स आपने प्रोजेक्ट की जो है वो सिचुएशन के मुताबिक ऐड करने हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग के स्टार्ट में, उसके अकॉर्डिंगली ही वहां से आपने जो होता है BOQ में यूनिट्स दिए होते हैं। BOQ होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, तो बिल ऑफ क्वांटिटी से आपने देख के जितने भी यूनिट्स होंगे वो प्राइमावेरा P6 में ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यूनिट्स ऐड है प्राइमावेरा P6 में, और मेरी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप देखें ये US डॉलर करेंसी का यूनिट है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। तो मैं आपको आज एक असाइनमेंट देता हूँ कि आपने आज सर्च करना है खुद से डिफरेंट BOQs और आपने वहां से यूनिट्स को जो है वो अपने प्राइमावेरा P6 में ऐड करना है और देन उसकी असाइनमेंट्स मुझे जो इंस्टाग्राम पे सेंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, ये प्लानिंग फेज के हमारे एंड वाले लेक्चर्स चल रहे हैं। आपने इन लेक्चर्स को डिटेल्स के साथ वन बाय वन देखना है, और प्लानिंग फेज का एक क्विक ओवरव्यू का लेक्चर मैंने रखा है जिसमें मैं प्लानिंग को एक लेक्चर में समराइज करूंगा, जिसमें हम अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को समराइज करेंगे और वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। देन हम एग्जीक्यूशन फेज की तरफ मूव करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स इतने फोकस से नहीं लिए या जिनके कोई चीजें स्किप हैं वो एक ही लेक्चर में सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैनी थैंक्स।